आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। विधानसभा बैकडोर भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर, बर्खास्त कर्मचारियों की आखिरी उम्मीद भी हुई खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की याचिका को किया खारिज, स्पीकर के फैसले पर लगाई मुहर। विधानसभा उत्तराखंड में बर्खास्त कर्मचारियों में से एक कर्मचारी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी पिटीशन को डिसमिस किया। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करती हूं। उत्तराखंड विधानसभा में नियम विरुद्ध हुई तदर्थ नियुक्तियों के मामले में बर्खास्त कर्मचारियों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्मचारियों की SLP को खारिज करते हुए स्पीकर के फैसले पर मुहर लगा दी है। इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने भी विधानसभा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया था। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के फैसले को सही ठहराते हुए बर्खास्त कर्मचारियों द्वारा दाखिल याचिका को महज 1.5 मिनट की सुनवाई में निरस्त कर दिया। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया था, जिसमें 2016 से 2021 में तदर्थ आधार पर नियुक्त 228 कर्मचारियों की विशेष जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। भविष्य में विधानसभा सचिवालय में होने वाली नियुक्तियां नियम और पारदर्शिता के साथ हों, इसके लिए सेवा नियमावली में संशोधन भी किया गया है। बर्खास्त किए गए कर्मचारी लंबे समय तक विधानसभा के बाहर धरने पर भी बैठे रहे। उन्हें न्यायालय से राहत की उम्मीद थी, मगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब उनके सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं, जो इन कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।